Manipur Governor Anusuya Uke has made a big revelation addressing inmates of a relief camp in Imphal East. Governor Uke indicated that forces from outside are creating unrest in the state. Governor Uke said that external forces, including those from Myanmar, are also behind the unrest in the state. So big breaking news coming in at this point in time, viewers. Well, Manipur Governor Anusuya Uke has made a big revelation. They are addressing inmates of a relief camp in Imphal East. Well, Governor Uke indicated that forces from outside are creating unrest in the state. Well, Governor Uke said that external forces, including those from Myanmar, are also behind the unrest in Manipur. All right, so big breaking news coming in at this point in time. Manipur Governor Anusuya Uke has made a big revelation addressing inmates of a relief camp in Imphal East. Governor Uke indicated that forces from outside are creating unrest in the state. Governor Uke said that external forces, including those from Myanmar, are also behind the unrest in the state. आतंक कर रहे हैं, जो फायरिंग कर रहे हैं, इसमें उन लोगों को रोकना है। ये इस तरह की स्थिति है। वो लोग भी चाहते हैं कि शांति हो जाए, हम फिर से एक साथ जैसे रहते थे वैसे ही हम अपने तरह से, वैसे ही हम अपना आगे रहें, ये उन लोगों का भी कहना था और आप लोगों का। लेकिन अभी कुछ लोग जो हैं, मुझे पता लगा है कि कुछ लोग बाहर से आए हैं, अभी जो है फोर्सेस आपकी सुरक्षा के लिए वो सब पकड़ रही है, बहुत लोग पकड़ाए गए हैं, बहुत हथियार अभी दो दिन से उनके बहुत सारे लोगों को पकड़ा दिया गया है। तो धीरे धीरे ये बाहर के लोग आकर इस तरह से आपके बीच में ऐसा कर रहे हैं। जी मैम, तो ये इसको ठीक हो जाएगा। अभी कुछ दिनों के बाद अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है और इन लोगों को बाहर करके, और इनको बाहर करें अपने मणिपुर स्टेट के बाहर, जो उनके देशों में म्यांमार से भी लोग आकर इस तरह से हमें अशांति कर रहे हैं। तो हमें इन लोगों को रोकना है, इसकी पूरी फोर्स से मैंने निर्देश दिया है। सारे आज आर्मी है, सीआरपी है, बीएसएफ है, पुलिस है, करीब 60,000 फोर्सेस है लगी हुई है। तो वो जल्दी से इनका ऑपरेशन करके और इनके ऊपर कार्रवाई करने का सारा, और जिन लोगों ने ऊपर स्तर पर जो बंकर भी बनाए हैं उनको भी तोड़ने का प्रयास हो रहा है। सारी चीज़ें कुछ दिन के बाद ये शांति हो जाएगी, ये हम अपना प्रयास कर रहे हैं। आप निश्चित रहिए, मैं आज आप लोगों के बीच में आपके दुखों को बांटने के लिए आई हूँ। आप आगे और ज़्यादा कुछ चिंता नहीं करना, मुझे मालूम है कि किन चीज़ों में मैं सब जगह जा रही हूँ, ताकि आप लोगों को जो वर्तमान में कोई तकलीफ ना हो। मैंने मैडम से, डीसी मैडम है, और अधिकारियों को सबको निर्देश दिया है। अभी विद फैमिली जो है, और भी आपके लिए कुछ फिलहाल जो कुछ काम रोजगार का जो महिलाओं के लिए कुछ शुरू किया है, यहाँ पे अगरबत्ती मेकिंग और